सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी भेड़ कबाब, जिसके लिए हमने लेना है ये हाफ के जी हमने केमा लिया है, केमा मशीन का लिया है, लेकिन इसको दोबारा मैंने चॉपर में पीस लिया है अच्छा सा ताकि ये बारीक हो जाए। हमने ये तो छोटी अनियन ली है, उसको चॉप करके हाथों में दबाकर अच्छी तरह से इस तरह दबाकर इसका पानी बिल्कुल खुश कर दिया, पानी निकाल दिया, बिल्कुल खुश ऑनियन कर लिए। ये दो खाने के चम्मच हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, चार खाने के चम्मच हमने ये दही लिया है, इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है, एक अंडा लेना है, ये ज़ीरा हमने लेना है सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हमने लेनी है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर लेना है हमने 2 टेबल स्पून, और हमें नमक हसबे ज़ायका लेना है 2 टेबल स्पून, हमने ऑयल लेना है। अब हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है कीमे के साथ, एक बाउल लेना है, ये देखिए बाउल में मैंने अब इस कीमे को ऐड करना है, कीमा हमने इसमें बाउल में निकाल लेना है। इसमें हमने ये प्याज ऐड कर देना है, ये जीरा साबुत जीरा वाइट, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही 4 टेबल स्पून दही लिया है हमने, वन टेबल स्पून हमने ये लाल मिर्च पाउडर लेना है, 2 टेबल स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लेना है। अगर आप कम रखना चाहते हैं तो आप जैसा लाइक करते हैं वैसे ही, स्पाइसी ज़्यादा नहीं चाहते तो कम यूज़ करें। नमक हमने 1 टीस्पून लेना है या हसबे ज़ायका, ये हमने अंडा भी इसमें ऐड कर देना है। टेबल स्पून जितना हमने इसमें ऑयल ऐड करना है, अब हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है कीमे के साथ। अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हमने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से मसाले जो है इसमें बिल्कुल कीमे के साथ मिक्स हो जाए। अब ये देखिए तमाम मसाले जो है कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो गए, ये कीमा मैरिनेट करके अब हमने इसको आधे घंटे के लिए तकरीबन फ्रिज में रख देना है। ये देखिए कीमा मैंने मिक्स करके मसालों के साथ आधे पौने घंटे के लिए रख दिया था, ये बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो गया है। चूँकि हमने ये बेक करने हैं कबाब, इसलिए हमने ट्रे में इनको रखना है बनाकर, पहले हमने ट्रे को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करना है ओवन ट्रे को। ये हमने ग्रीस कर लिया, अब हम जिस शेप में भी बनाना चाहते हैं वो कबाब हम इस शेप में बनाकर ट्रे में रखेंगे, क्योंकि अब हमने हाथों से काम करना है। मेक श्योर कि आपके हैंड जो है वो अच्छी तरह से वॉश हुए हैं, नीट एंड क्लीन है। अब आप चाहे इनको होल शेप में बना लें, लंबा बना लें, चपटे बना लें या गोल बना लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। Thank you.
इसी तरह से हमने ये सारे बनाकर थोड़ा सा आप ऑयल लगा ले ताकि ये कीमा जो है वो चिपके ना। कोशिश करें कि एक साइज की हो, अदरवाइज अगर छोटे बड़े हो जाते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब मैं ये सारे इसी तरह से बना लूंगी और पूरी ट्रे में इसी तरह से हमने इनको रख देना है। ये देखिए सारे मैंने ये कबाब इस तरह से बनाकर ट्रे में रख दिए हैं ओवन ट्रे में। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हमने और ऑयल ब्रश करना है। अब हम ये ओवन में रखेंगे। अब ये देखिए ट्रे में मैंने इस तरह से सारे कबाब ये रख लिए और हमने ये इस ओवन में तैयार कर लिए, गैस ओवन में। इसको प्रीहीट कर दिया 20 मिनट पहले। हमने इसको नीचे वाले रैक पे बिल्कुल हमने रखने हैं और अभी हमने ग्रिल ऑन नहीं करनी। बिस्मिल्लाह हमारी रही, ये मैंने रख दी है। अभी ग्रिल ऑन नहीं करनी, 20-25 मिनट हमने इसको पहले बेक करना है। देखना है कि बीच में चेक भी करते रहना है, एक दो दफा चेक करना है, फिर बाद में हम इसकी ग्रिल ऑन करेंगे। अब इसको बंद कर दें। अच्छा ये 20 मिनट हो गए थे, हमने चेक किया था और हमने ये ट्रे जो है ये दरमियानी रैक पर रख दिया और इसकी ये ग्रिल भी ऑन कर दिए ताकि ये नीचे से तो अच्छे से हो गए, अब ये ऊपर से भी जरा गोल्डन हो जाए। 5-7 मिनट हमने इसको और रखना है ट्रे को, फिर हम चेक करेंगे कि ये ऊपर नीचे से अच्छे से गोल्डन हो गए और पक गए हैं तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा ये 10 मिनट हो गए हैं मुझे ग्रिल ऑन किए हुए और अब ये देखिए कबाब हमारे बहुत अच्छे से बिल्कुल ऊपर से भी गोल्डन हो गए। देखिए ऊपर से भी बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए और नीचे से भी बिल्कुल अच्छे से पक गए। अब हम ये ऑफ कर देते हैं, ग्रिल भी ऑफ करते हैं, ये ऑन कर ऑफ कर देते हैं बिल्कुल ओवन को और हम ये निकालते हैं इसमें से। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कबाब जो है हमारे रेडी। अगर आप ये देखिए हमारे बेक कबाब बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं, बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छे बने हैं ये। इनको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें और ये ईद स्पेशल है, इस ईद पर आप ये ज़रूर बनाएंगे। और सपोज़ कि आपके पास गैस ओवन नहीं है तो आप इसको हल्का सा पैन में ऑयल लगा के इन कबाब्स को रख दें और फिर चूल्हे पर इस तरह रखें कि उसके पैन के नीचे आप एक तवा ज़रूर रख दें ताकि ये, और उसको बिल्कुल कवर कर दें धीमी धीमी आंच पर ताकि ये होते रहे और ये एक तरह के बेक हो जाएंगे। और फिर इनको आप पलट कर दूसरी साइड से भी कर लें, लेकिन अगर आपके पास ओवन है तो फिर आप इनको बेक कीजिए इसी तरह से और ग्रिल बाद में ऑन कीजिए। 10 मिनट या 8-7 मिनट मैंने ग्रिल ऑन की थी और ये ऊपर से भी बहुत अच्छे से हो गए और बहुत मज़ेदार बने हैं। ये ईद स्पेशल है, आप एक दस्तरखान पर बना कर रखिए, यकीनन आपको भी अच्छे लगेगी, आपके आने वाले मेहमानों को भी पसंद आएंगे और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ इस ईद पर शेयर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज लेकर आपके पास आती रहती हूँ और आती रहूँगी। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।